हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं वीएम टेक्निकल। तो आज की इस वीडियो में हम पोलैरिटी टेस्टर बना सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को सही में जांच सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी दो एलईडी की, एक रेड होना चाहिए और एक ग्रीन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी 1 किलो ओम रेजिस्टेंस की, और साथ ही साथ आपको प्रॉप्स की जरूरत होगी। आपके पास अगर ये प्रॉप्स नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रॉप्स थी तो मैंने यहाँ पे ये अभी लगा रहा हूं। तो ये प्रॉप को लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको ये जो है वो नीचे खींचना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉप जो निकल आती है बड़ी आसानी से, और उसको जो है वायर जो है लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपको आपका जो एलईडी है तो उसका जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है उसकी आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैटरी से उसे चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये लाल वाला जो है वो पॉजिटिव है और इस सफेद जो है वो निगेटिव है। तो ये देखिए, ये बल्ब जो है वो जल रहा है। आप देख सकते हैं बल्ब जो है वो जल रहा है, यानी कि ये साइड वाला जो है वो निगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये जो है ये निगेटिव है। तो दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, इस बल्ब का जो पॉजिटिव है तो वो इस बल्ब के निगेटिव को जोड़ना है, और इस बल्ब का निगेटिव इस बल्ब के पॉजिटिव को जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी इसको जो है वो शोल्डर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो शोल्डरिंग है वो हो चुकी है, और आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब जो है वो बन चुके हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी बल्ब को दोस्तों हमें साइड में जो है वो एक रेजिस्टेंस लगा देना है इस तरह से। आप कौन सी भी साइड में लगाए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, हमारा जो बल्ब जो है, बल्ब को जो है वो रेजिस्टेंस लग चुका है। तो चलिए हम इसके वायर्स को अभी शोल्डर करते हैं। तो हम यहाँ पे ये ब्लैक वाली जो वायर है उसे शोल्डर करेंगे, जैसे कि हमने पहले टेस्ट किया था एक बल्ब को, तो वहाँ पे हमने अभी ये शोल्डर कर दिया है। और साथ ही साथ ये दूसरी जो वायर है, हम यहाँ पे ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है उस पर जो है वो लगा देंगे इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पोलैरिटी टेस्टर है वो बन चुका है यहाँ पे, और बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है। और यहाँ पे हमने सिर्फ दो एलईडी और एक रेजिस्टेंस और कुछ प्रॉप्स को यूज़ किया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पोलैरिटी टेस्टर है वो बन चुका है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो हरा बल्ब है वो जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं अभी उसको जो उल्टा लगा के दिखाता हूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे मेरा जो रेड बल्ब है वो जल रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, रेड बल्ब जब जल रहा है इसका मतलब ये है हमारे जो प्रॉप्स हमने पॉजिटिव को निगेटिव जो जोड़ा है, पॉजिटिव और निगेटिव जो जोड़े हैं वो गलत जोड़े हैं। तो हम उसके बदल कर दूसरा लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पोलैरिटी टेस्टर वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और इसी तरह से दोस्तों, आप कौन सी भी बैटरी हो उसका पॉजिटिव और निगेटिव ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से एक बार दूसरा एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये बैटरी दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये मोबाइल की बैटरी है, मैंने मोबाइल में से निकाली है, मोबाइल की बैटरी में से। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव को तो हम कुछ समझ नहीं सकते। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं जब भी यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, अब लगा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप हमारा जो हरा बल्ब है वो जल रहा है। इसका मतलब ये जो है ये पॉजिटिव है और ये जो है ये निगेटिव है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ दोस्तों,
और मैं अभी आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर जो आ चुका है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हमारे पोलैरिटी टेस्टर में बताया था कि ये जो टर्मिनल ये पॉजिटिव है और ये जो है ये निगेटिव है। तो चलिए मैं अभी इसको लगा के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज जो आ रहा है बैटरी का, वो जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। और मैं आपको दूसरी तरफ से लगा के दिखाता हूँ, उसे उल्टा करके, और मैं आपको उसे उल्टा करके लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज जो निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि हमारा जो हमने जो पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा है, वो पॉजिटिव नहीं है, हमने उल्टा कनेक्शन जोड़ा है। तो मैं आपको फिर से एक बार इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मैं निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ता हूँ, तो हमारा हरा बल्ब जो है वो जल रहा है। और जब दोस्तों मैं पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव जोड़ता हूँ, तो हमारा जो है वो रेड बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। तो ये था दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा हमने आपको बनाकर दिखाया है कि बहुत ही सिंपल से आप जो पोलैरिटी टेस्टर बना सकते हैं, और उसके कंपोनेंट जो है वो भी बहुत कम है, और किसी भी बैटरी का आप पोलैरिटी चेक कर सकते हैं, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल निगेटिव है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।